गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन योर कंटेंट्स। बेटा आपके कंटेंट्स हैं ये, हमने इसमें क्या कर लिए, फोर चैप्टर कंप्लीट कर लिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट, अवर ग्रीन फ्रेंड एंड वर्ल्ड ऑफ एनिमल। ये फोर चैप्टर आपके किस में आएंगे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएंगे। तो आज हम इसका रिविज़न करेंगे, इसके रिविज़न हम करेंगे लिविंग थिंग एंड लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो ओपन योर पेज नंबर सिक्स, योर पेज नंबर थ्री है आपका। इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तु, इसके बारे में हमने पढ़ा था। सजीव वस्तु क्या होती है, निर्जीव वस्तु क्या होती है, नेचर से हमें क्या क्या मिलते हैं, और जो इंसान बनाता है मेड थिंग्स वो क्या क्या होती हैं। अब हमने इसके एक्सरसाइज देखते हैं। इसके एक्सरसाइज हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग द हेल्प बॉक्स। ये हेल्प बॉक्स दे रखा है, इसकी सहायता से आपने फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। पहला है थिंग्स कैन ग्रो आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जो क्या करती हैं, ग्रो करती है, उसको हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। ये देखिए सेकेंड वाला है डैश इज अ नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या है, वाटर। वाटर हमारा क्या है, नेचुरल थिंग्स। थर्ड है थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड, मेड इंसान बनाता है उसे बोलते हैं मेड मैन थिंग्स। फोर्थ नेचर थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, जो हमें प्रकृति में मिली है उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। फिफ्थ है थिंग्स विच डू नॉट फील आर कॉल्ड, जो कुछ महसूस नहीं करते हैं उसे बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ओके अब आपका आता है राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ ईच, आपको दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आपके ये रहा राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ ईच नेचुरल थिंग्स। सबसे पहले नेचुरल थिंग्स के हमने दो, वाटर और वुड। फिर है मैन मेड थिंग, मैन मेड थिंग हमने लिखा कार और हाउस। फिर है लिविंग थिंग्स, तो हमने लिखा एनिमल्स एंड प्लांट्स। एंड फोर का है तो हमने लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स होता है कप और बॉक्स। यहाँ पे आपकी फर्स्ट लेसन की रिविज़न कंप्लीट हो गया है, अब हम निकालेंगे सेकेंड लेसन। सेकेंड लेसन था बेटा आप निकालेंगे पेज नंबर एट निकाला, इसमें द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की दुनिया के बारे में था कि प्लांट्स की दुनिया कैसी होती है, किस किस प्रकार के प्लांट्स होते हैं। अब आप निकालिए पेज नंबर ट्वेल्व ये रहा। इसमें इसको हमको फिर फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं और इनके भी गिव टू एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो ये आपके लिए कॉपी में लिखे हुए थे मैंने, ये देखिए यहाँ से क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स एक्सरसाइज, ये हेल्प बॉक्स है। अब है फिल इन द ब्लैंक्स, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, जो बड़े और ऊँचे होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्री। सेकेंड रोज इज अ श्रब्स, रोज क्या है, श्रब्स है। डैश हैज़ अ वीक स्टीम, किसकी होती है, वीक क्लाइंबर की, वीक स्टीम। ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, पूरी चारों तरफ कौन फैलता है, तो क्रीपर्स फैलता है। ओके नाउ टर्न योर पेज। फिफ्थ वाला हैज़ अ थ्रोनी, कांटे किस में होते हैं, तो कांटे होते हैं कैक्टस में। अब बी वाला देखिए, आपको आपको दो दो एग्जांपल देने हैं, किसके, हर चीज़ के आपको दो दो एग्जांपल देने हैं। गिव टू एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग ट्रीज के, तो हमने लिखा मैंगो ट्री, एप्पल ट्री। श्रब्स तो रोज प्लांट और लिली प्लांट। हर्ब्स ग्रास और मिंट। क्लाइंबर्स बीन प्लांट और पी प्लांट। क्रीपर्स तो वाटरमेलन और पम्पकिन। ये आपके दो चैप्टर के दो लेसन के हमने क्या कर दिए हैं, रिवीजन कर लिया है। आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको पढ़िएगा, याद करना आपको अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए। ये देखिए ये आज हमने क्या किया, दो लेसन का रिवीजन किया। आज हमने क्या किया इसका रिवीजन, ये रिवीजन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया।